हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एसीएसयू एजुकेशन मेंटर फ्रेंड्स ये सेशन हमारे नीट पीजी स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें बेसिकली हम डिस्कशन करेंगे ऑल इंडिया कोटा के राउंड टू की स्ट्रैटी के बारे में यूपी स्टेट की काउंसलिंग के बारे में और कुछ फोकस करेंगे जो लाइक अभी डीएनबी का एनबी का जो नोटिस आ गया कि डी की काउंसलिंग को भी अभी से ही सबमिट करेंगे जो कि लास्ट में होता था इसके बारे में तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा और इसके हमको कैसे फेस करना चाहिए और किस रैंक पे ऊपर हम क्या करें स्ट्रेटजी इन सब चीज़ों को आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे यूपी स्टेट के बारे में यूपी स्टेट प्राइवेट कॉलेज के लिए एक ओपन स्टेट है सो ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु आर लाइक विलिंग टू टेक द एडमिशन इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तो आप यूपी में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो देर इज नो फाउंडेशन फॉर द एनी डोमिसाइल इन ऑल सो इट्स गोइंग टू बी अ ओपन स्टेट्स एंड uh, अगर यूपी के अंदर अगर हम देखते हैं कुछ द, यूपी का डाटा देखते हैं जनरल तो यूपी में अराउंड 891 सीट्स हैं गवर्नमेंट की जिसमें 50% परसेंट सीट्स स्टेट कोटा से और 50% परसेंट सीट्स ऑल इंडिया कोटा से मिलेंगी तो ऑल इंडिया कोटा से तो एवरी पर्सन फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ इंडिया कैन कम एंड पार्टिसिपेट द काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा में बट स्टेट कोटा में ओनली दो स्टूडेंट दो कम्पीटेड एम बी बी फ्रॉम उत्तर प्रदेश वेदर डेट इज़ अ गवर्नमेंट कॉलेज और अ प्राइवेट कॉलेज आर और एट द सेम टाइम अगर आपके पास यूपी का डोमिसाइल है और आपने यूपी के बाहर किसी गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस किया है लाइक एम्स से जिपमा से या ऑल इंडिया के कोटा से गवर्नमेंट कॉलेज में आप कर रहे हो तो या यू आ, यू, आ, यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द गवर्नमेंट कॉलेज काउंसलिंग विच इज़ द स्टेट कोटा काउंसलिंग ऑफ यू और प्राइवेट कॉलेज जो यूपी के हैं उसमें एवरी इज़ लाइक इन्वाइटेड टू डू द काउंसलिंग उत्तर प्रदेश प्राइवेट कॉलेज में अगर आप देखते हो तो दे आर टोटल इलेवन कॉलेजेस विच आर पार्टिसिपेटिंग दिस ईयर इन 2019 और इन ग्यारह कॉलेज में 690 सीट्स हैं टोटल सबसे ज़्यादा सीटें इसमें तीर्थंकर महावीर कॉलेज के अंदर यूपी में हैं फाइन और एट द सेम टाइम यूपी में डेंटल वाले बच्चे भी अपनी काउंसलिंग करेंगे एम की भी काउंसलिंग होगी तो बीस कॉलेज हैं आपके प्राइवेट सेक्टर में यूपी में विथ थ्री सीट्स प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट में 32 सीट्स ही हैं 30 सीट्स आपकी के लखनऊ में और दो सीटें आपकी सफाई कॉलेज के अंदर हैं फाइन सो दिस इज हाउ ये सारे यूपी के एक बेसिक सा डाटा है अब देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो रजिस्ट्रेशन आपका आज ट्वेंटी सिक्स मार्च से स्टार्ट हो गया है शाम को चार बजे से यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट यूपी नीट डॉट जी ओ वी डॉट इन के ऊपर ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फ़िल करना है 26, 27, 28, 29 ट्वेंटी नाइन चार दिन का टाइम है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए तो अगर कोई स्टूडेंट देखना चाहता है कल का रिजल्ट अपना ऑल इंडिया कोटा का तो आफ्टर वाचिंग योर रिज़ल्ट यू कैन डू द एप्लीकेशन और अगर आपको पहले करना है तो आप अभी से भी आप यू का फॉर्म को फिल कर सकते हो सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है यूपी के अंदर टू थाउजेंड का फॉर्म का चार्ज है काउंसलिंग में सिक्योरिटी जो फीसेज होती है जो एडवांस में ट्यूशन फ़ीस पे करते हो अगर आपको कोई गलती करते हो तो वो पेनल्टी लग जाती है सो फॉर गवर्नमेंट कॉलेज इट इज़ थर्टी थाउजेंड फॉर प्राइवेट एमएसएमडी प्रोग्राम इज़ टू लाख रुपीस एंड फॉर प्राइवेट एमडीएस प्रोग्राम इज़ वन पॉइंट फाइव लाख रुपीज़ ये आपकी सिक्योरिटी अमाउंट है और यूपी में पहले ऐसा होता था कि सिक्योरिटी अमाउंट के लिए आपको पर्सनली यहाँ पे आना पड़ता था सिक्योरिटी अमाउंट सबमिट करना होता था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता था बट ये yes, इस साल से ये रूल हट गया है आपका सिक्योरिटी का भी पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड से ही देना है बायो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड और द ऑनलाइन बैंकिंग जो भी नेट बैंकिंग आप प्रेफर करते हो उसके द्वारा ही आपको एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आपको सिक्योरिटी अमाउंट देना है टू लाख रुपीज़ फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड टू थाउजेंड फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म यह देने के बाद ही आप चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल हो पाओगे चॉइस फिलिंग एक्टिविटी आपकी दो और तीन तारीख को होगी यूपी के अंदर दो और तीन अप्रैल को और उसके बाद फाइनल आपका सात अप्रैल को यूपी का रिजल्ट आ जाएगा प्राइवेट कॉलेज की अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करो तो यूपी के अंदर जो फ़ीसेस का जो स्लैब होगा अभी बहुत तरह से क्लियर नहीं किया है दोनों वेबसाइट जो यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट है जो जिस पे काउंसलिंग होती है वो है यू पी इसके ऊपर सारी काउंसलिंग होती है और सारे नोटिफिकेशन आते हैं आपके यू पी के ऊपर तो दोनों के ऊपर जो फीसेस का भी बुरी तरह से क्लियर नहीं किया है, बट अभी जो कलेक्टिव इंफॉर्मेशन जो निकल के आ रही है और जो लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस है जो अभी थोड़ी बहुत फीसेस दिखाई हैं इससे आप ये मान के चलो जो प्राइवेट कॉलेज की जो फीसेज रहेंगी तो यहाँ पे पैकेज बहुत ज़्यादा चलता है लाइक सपोज़ कर लिया कि आप किसी कॉलेज की फीस कम है तो वहाँ का हॉस्टल की फीस ज़्यादा हो सकती है या लाइक ये सिक्योरिटी अमाउंट ज़्यादा हो सकता है सो लाइक थर्टी लाख रुपीस एनुअली इंक्लूडिंग एवरीथिंग थिंग थर्टी लाख रुपीस एनुअली फोर्टी लाख रुपीज़ एनुअली से फिफ्टी लाख रुपीज़ एनुअली तक यूपी की फ़ीसेस रहने वाली हैं डिफरेंट कॉलेज लाइक एरा मेडिकल कॉलेज हो गया थिथानकर महावीर मेडिकल कॉलेज हो गया इन सबकी फ़ीसेस थोड़ी सी हाई रहती हैं कुछ कॉलेज की फीसेज कम रहती हैं इसलिए बहुत ही इंटरटेनिंग स्टेट होने वाला है सभी बच्चों के लिए फॉर एवरी रैंकर्स बिकॉज जिन बच्चों की भी 20000 से ज्यादा रैंक है जो आर हैविंग अ रैंक ऑफ 20000 25000 30000 40000 थाउजेंड एंड सो ऑन आपको यूपी में क्लिनिकल ब्रांचेस की सीट मिल सकती है इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अगर आप सही से एक कॉन्सेप्ट बना के यूपी की काउंसलिंग के अंदर उतरते हो और एक आपके पास अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है थोड़ी सी इलास्टिसिटी है अपने सब्जेक्ट्स के अंदर तो देयर इज अ ग्रेट होप देयर इज अ ग्रेट चांस दैट इन उत्तर प्रदेश यू कैन गेट अ सीट ऑफ एम डी एम एस और अ डिप्लोमा सीट इन यू यू पी इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इस तरह से आपको यूपी को प्रोसीड करना है राउंड नंबर फर्स्ट होगा आपका राउंड नंबर टू होगा और उसके बाद आपका मोकअप राउंड होता है जो कि आपका ऑनलाइन मोड पे नहीं फिज़िकल मोड पे होगा और फर्स्ट में से आपकी यहाँ पे यूपी में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे और लाइक जो सीट ऑल इंडिया कोटा से जो बच के आएंगी सेकेंड राउंड के बाद वो ऐड हो जाएंगी यूपी स्टेट यू के, के गवर्नमेंट कॉलेज में और यूपी के स्टूडेंट्स को वो सीटें मिलेंगे इस तरह से आपको यूपी की काउंसलिंग के लिए प्रोसीड करना है कल 27 मार्च को एमसीसी का रिज़ल्ट आ जाएगा इवनिंग में आएगा अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है एम के साथ नीट की काउंसलिंग में यू की काउंसलिंग में उसमें यही चीज़ निकल के आई है बेसिकली कि रिजल्ट बेसिकली ये शाम को पाँच बजे के बाद देते हैं तो मोस्ट पॉबली टुमारो इवनिंग आफ्टर फाइव ओ क्लॉक यू कैन सी योर रिजल्ट ऑन द एम सी सी ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे आपने जो भी चॉइस फिलिंग करी थी उसके अनुसार आपको कोई कॉलेज मिला है कि नहीं मिला है और आप उसके बाद अपने आगे की स्ट्रैटी बना सकते हो कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर अभी चॉइस फिलिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है कर्नाटक में चॉइस फिलिंग चल रही है महाराष्ट्र की भी लिस्ट आ चुकी है वहाँ पर चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी सो दीपल काउंसलिंग एक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट जगह चल रही है राजस्थान का भी खत्म हो चुका है एम की भी लास्ट डेट चल रही है आपकी और उत्तराखंड का भी एक दो दिन में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप डिसाइड कर लो कैसे करना है और इसी के बीच में जैसे हर साल मई के लास्ट में डी अपनी नोटिफिकेशन दे के जून से काउंसलिंग को रिज्यूम करता था लेकिन डी एन ने भी अपने काउंसलिंग के शेड्यूल्स दे दिए हैं और वो भी ऑल इंडिया कोटा के साथ साथ अपनी काउंसलिंग को इस काउंसलिंग के बीच में ही लेके आ रहा है तो डी एन का काफ़ी कन्फ्यूज़न आ रहा है दो अप्रैल से काउंसलिंग डी की स्टार्ट हो जाएगी दो से नौ तारीख तक फ्राम सेकेंड अप्रैल टू नाइन्थ ऑफ अप्रैल तक आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे डी एन बी के एन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और चॉइस फिलिंग एक्टिविटी यहाँ पे होगी आपकी ग्यारह अप्रैल से पंद्रह अप्रैल के बीच में इसको थोड़ा सा समझ लेने की बात है इसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ छुपी है आप यहाँ पे अगर ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग करो देखिए डी में बेसिकली स्टूडेंट जाते हैं बिकॉज ऑफ द फीस फैक्टर इक्वलिंग टू लाइक गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से देख के फीस इज ओनली एटी थाउजेंड इन डी सो काफ़ी बच्चों को ये अट्रैक्ट करता है सो so, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो आपका ऑल इंडिया कोटा का राउंड नंबर फर्स्ट का रिजल्ट आना है तो जो भी होना था हो गया अब ऑल इंडिया कोटा यानी कि ओनली फॉर द गवर्नमेंट कॉलेज की जो काउंसलिंग हो रही है सेंट्रल काउंसलिंग जो हो रही है उसका सिर्फ एक ही राउंड आपके पास बचा है तो वो जो उसका सेकेंड राउंड है उसकी एक्टिविटी जो चॉइस फिलिंग की है वो है टिल आपकी नाइन्थ ऑफ अप्रैल तक और उसका रिजल्ट भी आपका आ जाएगा बारह अप्रैल को और बारह अप्रैल को रिज़ल्ट आने के बाद भी आपके पास तीन दिन के टाइम बच रहा है तेरह चौदह और पंद्रह डी की चॉइस फिलिंग करने में तो इससे ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है आप उसी फ्लो में जा सकते हो ऑल इंडिया कोटा की राउंड टू की चॉइस फिलिंग करिए हो गवर्नमेंट उसमें आपको कॉलेज मिल रहा है आप सेटिस्फाइड हो तो इफ यू आर टेकिंग द एडमिशन देन दैट इज़ ओके उसके बाद आपको इसी इन द मीन वाइल डी एन बी का रजिस्ट्रेशन करा के रख लेना है बट चॉइस फिलिंग आपके पास ग्यारह तारीख से पंद्रह तारीख के बीच में है तो आप बारह तारीख तक अपना रिजल्ट देख सकते हो फॉम थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन इन तीन दिन को चॉइस फिलिंग एक्टिविटी के लिए रख सकते हैं तो इससे आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसिलिंग से बाहर हो गए यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि आपके स्टेट के कोटा के ऊपर कि आपके स्टेट के अंदर आपकी क्या चांसेस बन रही हैं स्टेट के ऊपर आपकी स्टेट की रैंक डिसाइड करेगी आप एक फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हो कि अपनी स्टेट की रैंक देख सकते हो और अपने स्टेट की टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल देख सकते हो इन द क्लिनिकल सब्जेक्ट्स इस तरह से आप थोड़ा सा एक आइडिया निकाल सकते हो कि क्या सीट्स सीट हमारे स्टेट में अवेलेबल हैं मेरी सीट मेरा रैंक कितना है स्टेट का 50 परसेंट सीट जाने के बाद कितनी सीटें बची नाव जो सब्जेक्ट्स को मैं देख रहा हूँ रेडियोलॉजी हो गया डर्मा हो गया पीडिया हो गया जो भी सब्जेक्ट आपका है इस डिपार्टमेंट में कितनी सीट है तो इससे आपको आइडिया मिल जाता है बिकॉज यहाँ पे ऑब्जर्वेशन निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है बिकॉज काउंसलिंग रैंडमली चल रही है अल्टरनेट काउंसलिंग चल रही है ऑल इंडिया कोटा की भी काउंसलिंग हो रही है गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट के लिए आपका स्टेट कोटा भी काउंसलिंग करा रहा है और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए गवर्नमेंट कॉलेज की तरह ही आपकी डी की भी काउंसलिंग हो रही है तीन अलग काउंसलिंग है स्टूडेंट एक है सीट आपको एक चाहिए तो जो बेस्ट आपको सीट मिल सकती है और सीट के साथ सेटिस्फाई हो जाना चाहिए अगर आप ऑल इंडिया कोटा के दो राउंड आप देख सकते हो इन मील वैल आपका स्टेट कोटा आ गया तो स्टेट कोटा की आप चॉइज़ फिल कर लो उसके बाद आपको ऑल इंडिया कोटा और हिसाब से आप इसको भी देख के चल सकते हो ज़्यादा कन्फ्यूज होने की बात नहीं है एक तरह से अच्छा ही हुआ है बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स इस काउंसलिंग को छोड़ लेते हैं वो बोल बोलते हैं कि मैं डी में देखूँगा तो आपको डी में देखने के लिए इसको छोड़ने जरूरत नहीं है इसके साथ में ही देख सकते हो कि अगर आपको लग रहा है डी में आपको सीट मिल जाएगी अब डीएनबी का थोड़ा सा नीचे आ सकता है बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट्स सेग्रीगेट हो जाएंगे बट इससे ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये डीएनबी का इम्पैक्ट एक सर्टन रैंक होल्डर्स तक ही है लाइक अप टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रैंक तक अगर हम देखते हैं बिकॉज जो ज़्यादा जो स्टूडेंट का जो ट्रैफिक है एक पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट्स हैं जनरल मेडिसिन है पीडियाटिक्स है ऑब्सगैनी है जनरल सर्जरी है, है आपका डर्माटोलॉजी है रेडियो डायग्नोसिस है तो कुछ सर्टन सब्जेक्ट्स के लिए है फाइन तो उधर ज़्यादातर स्टूडेंट का मूवमेंट है तो स्टूडेंट अब डिफरेंट डिफरेंट काउंसलिंग में ट्राई कर रहा है अपने को स्टेट में भी ट्राई कर रहा है डीएनबी में भी ट्राई कर रहा है एट द सेम टाइम ऑल इंडिया कोटा में ट्राई कर रहा है तो जो हुआ है इससे कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है अगर आप इसमें से कुछ एक्सक्यूज़ कर पा रहे हो कुछ निचोड़ पा रहे हो तो वो ये है कि दैट इज़ बेटर फॉर मी बिकॉज मेरे लिए प्लेटफॉर्म बढ़ गए हैं तो डी में की काउंसलिंग को बीच में एक्टिव होने पर काफ़ी अच्छे जो रैंकर्स हैं जिनकी रैंक कम थी तो वो भी देख रहे हैं कि उनको लाइक ऑल इंडिया कोटा से सीट मिल रही है बट उधर मुझे जो डी में अच्छे डेली के अच्छे हॉस्पिटल में गंगाराम जैसे हॉस्पिटल में भी एडमिशन मिल सकता है तो कुछ ट्रैफिक उधर से भी घटेगा तो इसमें अब आपके कट ऑफ अच्छे सेटल हो सकते हैं तो जो आपका जो कट ऑफ जा रहा था फॉर एग्जाम्पल जैसे लास्ट ईयर आप देख रहे थे जनरल मेडिसिन फाइव के नीचे खत्म हो रहा था तो इस बार पास एयर या पास एयर से थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है डीपे At, कोई भी आदमी अपना ऑब्जर्वेशन ही यहाँ पे बता सकता है रिजल्ट आपके कल की जो रिजल्ट हैं ये काफ़ी डिसाइडर होने वाले हैं और राउंड टू के रिजल्ट इससे काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाएंगे बिकॉज राउंड वन के टाइम पे बच्चों को पता नहीं था कि डी आ जाएगा तो कल का रिजल्ट देखने के बाद और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एट द मीन हमको रजिस्ट्रेशन तो कराना ही है तो आप डी एन बी की काउंसिलिंग के लिए भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो उसमें सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन अकाउंट जो है चॉइस फिलिंग आपको देख के करना है और स्टूडेंट्स जो हाई रैंकर्स हैं आप यूपी में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो या नॉर्थ इंडिया से नहीं भी हो और अगर आपको सीट देखना है तो यूपी में आपको एक फैसिलिटी मिलेगी फीसस की जिसके अनुसार आप सीट को ले सकते हो फाइन बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट ऐसा होता है जिनको लाइक like, डीम में एक मौका मिलता है एडमिशन लेने का हाई फीसस पर बट वो देखते हैं कि मुझे लाइक पाण्डिचेरी तमिलनाडु की लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगी तो आप अगर हाई फीसेस में उस तरफ नहीं जा रहा हो तो नॉर्थ इंडिया में आपके पास एक अच्छा मौका है कि यहाँ पे आप सेट हो सकते हो उसी लगभग फीसेज में बिकॉज यहाँ पे जो फीस कॉलेज होंगे जिनकी फीसेज 45 लाख या 50 50 लाख रुपीस कंप्लीट वन आई टेट फीसेज इसका मतलब वो वन ईयर का जो आपका पैकेज जा रहा है फर्स्ट ईयर का जो आपका पैकेज जा रहा है इंक्लूडिंग एवरी सो लगभग आपको उस मौके पर हाई रैंक पर यूपी में भी चांसेस बन सकती है सो यू कैन रजिस्टर फॉर फॉर यूपी एंड एवरी स्टूडेंट बिकॉज सबके लिए एक फंडा अप्लाई नहीं होता है हर रैंक के हिसाब से और आपके बजट के हिसाब से आपकी काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाली है तो ये सब चीजें वो देख के करना है आपको उत्तराखंड का भी आ जाएगा आपका उत्तराखंड की भी फीसेस भी आपकी नियर अबाउट लाइक ट्वेंटी फोर ,00 लैख रुपीज़ के आसपास होने वाली है कम फीसेस का अगर आप ऑप्शन देख रहे हो कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो देख रहा है कि लाइक आई एम मूविंग टू प्राइवेट कम फीसेज में हो जाए तो कम फीसेज का जो ऑप्शन है वो आपका लाइक कर्नाटक में ही है ओपन स्टेट में अगर आप देखते हो अगर हम ओपन स्टेट में देखते हैं क्लोज स्टेट में तो कुछ स्टेट्स हैं जो अपने स्टेट के लिए रखते हैं बट कर्नाटक का भी चॉइस फिलिंग चल रही है आपको भी अब पता है कि लेकिन कर्नाटक की फिफ्टी सीट्स अभी स्टेट पर चली गई हैं तो लास्ट ईयर से कमी लाइक द पीपल हैविंग मैक्सिमम ट्वेंटी थाउजेंड रैंक उनके अंदर ही क्लिनिकल फिनिश होने हो जाएगा कर्नाटका मोस्ट पॉपुलीड ठीक है नॉर्मल फीसेस वाला बाकी जो उसकी अदर फीसेस हैं जो इंस्टीट्यूशनल जो फीसेज हैं वो तो काफ़ी हाई फीसेज है सिक्सटी लाख सेवेंटी लाख एटी लाख एटी फाइव लाख नाइन्टी लाख रुपीज़ है तो उस पर तो आपको यू कैन ईजिली गेट द एडमिशन वायल फिलिंग द लाइक चॉइज ऑफ एनी ऑफ योर स्टेट ऑफ द ऑल इंडिया कोटा और द डी एन बी डी एन बी को छोड़ देते हैं लाइक like, अगर हम ऑल इंडिया कोटा कहीं की भी आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो खास करके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तो फीसेस को बिल्कुल एक बार सही से देख लिया कीजिए हर साल काफ़ी बच्चों से गलती होती है जो प्रमोशनल वेबसाइट्स होती हैं काफ़ी लोगों की प्राइवेट वेबसाइट्स होती हैं उसकी फीसेस कई बार ऐसा होता है कि अपडेटेड फीसेज नहीं होती हैं तो काफ़ी स्टूडेंट नई फ़ीसेस नहीं देखे पुराने सालों की फ़ीसेस देखे काउंसिलिंग का दे रहा है तो ये सब चीज़ों को भी देखिए इस हिसाब से आप कर सकते हो यूपी टू लैक टू लैख टू ईयर्स का बॉन्ड है यूपी में फोर्टी लाख रुपीज़ का तो यूपी का आप कर सकते हो और कल आपका रिज़ल्ट आ जाएगा ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू रिजल्ट्स ऑफ़ द एमसीसी उसका रिजल्ट रिजल्ट देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा उसका रिज़ल्ट देखने के बाद भी आप कर सकते हो कि क्या अब आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए यहाँ पे स्टूडेंट जिनकी रैंक बीस से ऊपर की आ रही उन्हीं को थोड़ा सा डिसीजन लेना है कि अब मुझे क्या करना चाहिए अगर खासकर अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं तो ओपन स्टेट में बिकॉज अगर आपने देखा होगा कि लाइक like, डीम की फीसेस भी अगर आपने देखी है तो डीम की भी फीसेस में जो एवरेज जो फीसेज जो डीम की आप देख पा रहे हो 25 लाख के अंदर अंदर की वो तो एक सर्टेन जो अच्छे सब्जेक्ट्स है उसमें एक सर्टेन सब्जेक्ट तक रैंक तक खत्म होने वाले हैं लाइक आप टू ट्वेंटी फाइव तक ट्वेंटी तक वो ख़त्म हो जाएंगे आगे वाले राउंड में आगे फिनिश होंगे तो इसमें आप ओपन स्टेट के ऊपर भी काफ़ी खास नजर रखे देखिए कि अगर ओपन स्टेट में इन द लोअर फीस अगर आपका एडमिशन हो सकता है और एट द सेम टाइम वी हैव टू सी द रेपोटेशन ऑफ द कॉलेज ऑल्सो क्या रेपोटेशन है कॉलेज की क्या मेडिकल हिस्ट्री है कैसा उसका ओ पी डी एंड ऑल है यह सब चीज़ को देखते हुए यू कैन प्रोसीड फॉर द काउंसलिंग सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड फॉर द काउंसलिंग ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइक रिजल्ट फॉर टुमारो वीच इज कमिंग टुमारो और अगर आपको कॉलेज मिल जाता है उसके बाद आपको कॉलेज में किसी भी रीज़न से आप कंफ्यूज हो कि एडमिशन नहीं लेना है तो आई एल सजेस्ट यू टू टेक द फोफीचर ऑप्शन बिफोर डूइंग द एडमिशन एक्टिविटी ओवर ओअर एडमिशन फीस सबमिट करने से पहले डॉक्यूमेंटेशन करने से पहले ही आपके पास जो मौका मिलता है फॉफिचर करने का तो आप सीट को फॉफीचर करके आगे वाले राउंड के लिए एलिजिबल हो, हो जाते हो बिकॉज एक बार आपकी कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स चले गए तो अदर काउंसलिंग में विदाउट डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग करना काफ़ी टफ होता है तो चीज़ों को आप देख लो वॉट आर द ऑप्शन यू आर हैविंग इन योर हैंड इफ़ यू अगर आपको कुछ मिला है डीम्ड के अंदर उसे आप सेटिस्फाइड नहीं हो आपकी रिसर्च बोल कि आपको कुछ बेटर मिल सकता है तो उसको पहले ही ड्रॉप कर देना ज़्यादा बेटर है उसके बाद आप उसको ट्राई कर सकते हो बिकॉज ज़्यादा काउंसलिंग आ जाने की वजह से अभी स्टूडेंट के पास बहुत ज़्यादा चांस है बिकॉज जो मेजॉरिटी ऑफ़ स्टूडेंट्स है वो कन्फ्यूजन स्टेट में है कि इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ क्या करूँ फाइन कुछ लोग ऐसा है कि लाइक जो फीसेस जो आप जो टारगेट कर रहे हो वो फीसेस आपकी रैंक पे अवेलेबल नहीं है तो अगर फीसेस अवेलेबल नहीं है तो दूसरा ऑप्शन होता है कि लाइक अपनी सब्जेक्ट की इलास्टिसिटी बढ़ा के आप सब्जेक्ट को में फ़िक्स होकर आप लो बजट तक जा सकते हो इस तरह से आप काउंसलिंग को देख सकते हो सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम ए सी एस इफ़ यू आर लाइक लाइक फेसिंग एनी सॉ प्रॉब्लम कि आपको काउंसलिंग कैसे करना चाहिए क्या मेरी रिसर्च होनी चाहिए हाउ टू अप्रोच फॉर द लाइक काउंसलिंग ऑन द बेसिस ऑफ माई रैंक क्या रिसोर्सेज हैं तो उस कंडीशन में यू कैन ऑल्सो अवेल आवर सर्विसेज फॉर द काउंसलिंग ऑफ नीट पी जी सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग कीप स्माइलिंग फ्रेंड्स